friends very welcome to aryan academy i am Kosti bumakshi and you are watching me on your favorite youtube channel aryan academy and now we are on the perfect way of learning okay so now to, uh, from today we will start our ncrt content of science and from the first chapter we will start that is chemical reactions and equation फर्स्ट हम चैप्टर के जो नेम है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन नाउ व्हाट इज केमिकल व्हाट इज रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन हम तीनों चीजों को एक एक बार देखेंगे फर्स्ट इज केमिकल सो एनी मैटर इज मेड अप ऑफ अ केमिकल अब मैटर क्या है ओके मैटर नाइन्थ क्लास में इसके बारे में पूरा चैप्टर है मैटर्स आवर सराउंडिंग इन दैट वी दैट देर आर थ्री काइंड ऑफ मैटर दे आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके सो दिस इज ओनली अब मैटर इज समथिंग हमारे घर में जो चीजें हैं दे ऑल आर मैटर एंड दे आर ओनली मेड अप ऑफ अ केमिकल सो यहाँ क्लियर हो गया कि व्हाट इज केमिकल नाउ व्हाट इज रिएक्शन नाउ व्हाट इज रिएक्शन सो द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन देखो एट अ टाइम यू आर ईटिंग फूड दिस इज योर एक्शन आफ्टर समटाइम्स यू विल गेट एनर्जी दिस इज अवर रिजल्ट अब जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है कोई चीजों का रिएक्शन उनपे होता है हमारा स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दट ऑल रिएक्ट ऑन अवर फूड एंड आफ्टर सम टाइम्स वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड सो दिस इज वॉट दिस इज एक्शन और फूड अंदर जाने के बाद रिएक्शंस हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट ओके सो समझ में आ गया व्हाट इज रिएक्शन? सी केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं हियर आई एम हैविंग टू एच टू ओके अनदर वन वी आर हैविंग ओ टू दैट इज ऑक्सीजन नाउ द एक्शन बिटवीन दोज विल बी रिजल्ट इन टू अ टू एच टू इट मीन्स दिस इज अवर रिजल्ट जब दो या दो से ज्यादा एक दूसरे के साथ एक्शन करते हैं एंड लास्ट में वो कोई प्रोडक्ट देते, देते हैं दैट इज ओनली नोन एज अ रिएक्शन समझ में आ गया केमिकल समझ में आया क्या होता है एनी मैटर इन दी वर्ल्ड इज मेड अपमिकल रिएक्शन समझ में आया इट इज द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन ओके ओके okay, हमें सेपरेटली केमिकल एंड रिएक्शन दोनों का ही मतलब पता चल गया अब केमिकल रिएक्शन जब भी होता है विद दैट एक और प्रोसेस होती है नाउ व्हाट इज दैट प्रोसेस दैट इज केमिकल चेंज अब केमिकल चेंज से पहले हम टाइप्स ऑफ चेंज देखेंगे दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज नाउ मेरे पास यहाँ फोर एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट इज कम्बोशन ऑफ कैंडल देन पेपर इज स्टोन वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस एंड रेस्पिरेशन नाव वी हैव टू डिटेक्ट

आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल बी एक्सट्रिंगाइज मतलब कैंडल बूझ जाएगी क्यों क्योंकि ग्लास के अंदर की जो एयर है इट डजेंट कैरी द ऑक्सीजन ओके समझ में आया सो इट इज ऑल्सो अमिकल चेंज आफ्टर दैट वाटर इज कन्वर्टेड इंटू आइस ना वाटर इज कन्वर्टेड इंटू आइस इज अ फिजिकल और केमिकल इट्स फिजिकल वाई बिकॉज यहाँ पर हम कोई भी केमिकल कंपोजिशन का यूज नहीं करते हैं वाटर से आइस बनाने के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है उसमें कोई और केमिकल को ऐड करने की ओके okay? उसके बाद है हमारे पास पेपर टोन पेपर स्टोन नाउ पेपर स्टोन मतलब पेपर को हमने फाड़ दिया इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज पेपर को फाड़ने के लिए कोई और केमिकल थोड़ी ना हमको चाहिए ओके एंड रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज केमिकल चेंज वाई बिकॉज वी इनहेल ओ टू वी एक्सेल सी ओ टू ओके सो हियर द केमिकल कंपाउंड आर रिक्वायर्ड ओके सो दिस इज रेस्पिरेशन ओके एंड इट इज अ केमिकल चेंज समझ में आया व्हाट इज केमिकल चेंज एंड व्हाट इज फिजिकल चेंज अब हम इन्हीं के बेस पर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सी Now here, हम केमिकल चेंज में हमने देखा कि कोई नया सब्सटेंस मिलता है यस yes, कोई नया सब्सटेंस मिलता है सो हेयर सॉरी न्यू सब्सटेंस इज ऑप्टेन्ड ओके फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस मिलता है नहीं मिलता है सी आप वॉटर की अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या था एच टू ओ और आइस बनने के बाद भी वो क्या रहेगा एच टू ओ सो नो प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड पेपर की हम बात करें तो पेपर की बड़े पेपर की क्वालिटी क्या थी कि हम उसपे लिख सकते हैं जब हमने पेपर को फाड़ दिया फिर भी उसकी क्वालिटी क्या है कि हम उसपे लिखेंगे और लिख भी सकते हैं ओके सो दैट इज के यहाँ भी हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है सो ही आर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और ओके आफ्टर दैट सॉरी अभी हमने यहाँ पर देखा तो न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन में आ, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा सी हियर रेस्पिरेशन एंड सी ओ टू हम लोग एक्सेल एंड इनहेल जो कर रहे हैं अब उस चीज़ में रेस्पिरेशन के टाइम सिर्फ हम लोग ये काम नहीं करते ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब हम ओ टू इन्हेल करते हैं उसके बाद काफ़ी सारे हमारी बॉडी में रिएक्शन होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है सो दैट इज ओनली एनर्जी क्या हुआ दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलती है अब ग्लूकोज क्या है न्यू केमिकल सब्सटेंस बना सो हियर केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ओके सो केमिकल चेंज में क्या होगा मिकल कंपोजिशन विल बी चेंज ओके एंड फिजिकल चेंज में कैमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है मैंने पहले ही आपको बताया वॉटर विल बी ऑल्सो एच टू एंड आइस विल बी ऑल्सो एच टू ओ ओके सो नो केमिकल कंपोजिशन विल चेंज समझ में आ गया ओके सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज और ओके okay, सो so हमने ये भी देख लिया कि केमिकल्स क्या होते हैं रिएक्शंस क्या होते हैं फिर हमने ये भी देखा कि केमिकल रिएक्शन के साथ साथ क्या होता है केमिकल चेंज होता है साथ ही साथ टाइप्स ऑफ चेंज भी देखा केमिकल चेंज फिजिकल चेंज अब हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते तो हैं बट वाई केमिकल रिएक्ट केमिकल रिएक्ट क्यों करते हैं सो so, हमारे पास उसके एक छोटा सा आंसर भी है दैट इज अवर एटम ऑफ एनी एलिमेंट आई दर वॉन्ट टू गिव एनर्जी और वॉन्ट टू गेन एनर्जी बच्चों यहाँ गिव एंड गेन में फ़र्क समझना गिव इज समथिंग देना है गेन इज समथिंग लेना है ओके सो so हमारे ऐटम्स जो होते हैं उनके पास कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ ऐटम्स चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी किसी को दे दे और कुछ ऐटम्स चाहते हैं जो हमारी वैलेंसी ले ले

सेकेंड हैंड में क्या है कंज्यूमर और बायर भी बोल सकते हैं नाउ दिस कंज्यूमर वॉन्ट टू बाय दट इज ही हीट टू गेट ए एनर्जी फ्रॉम समवन तो इनके पास एनर्जी है देने के लिए इनके पास एनर्जी है लेने के लिए दोनों के बीच में एक्शन हो गए लास्ट में रिएक्शन में आंसर क्या आएगा सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ ओके जिसको एनर्जी चाहिए थी उसने दे दी जिसको चाहिए थी उसने ले ली और दोनों की नीड्स की क्या हो गई सेटिस्फेक्शन हो गई दिस इज द फ्रॉम अवर बेसिक लाइफ एग्जाम्पल ये कोई एग्जाम के लिए हमारा एग्जाम्पल नहीं था इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ओके अब हम केमिस्ट्री से एग्जाम्पल लेते हैं सी आई एम हैविंग टू एन एके जिसकी वैलेंसी कितनी होती है एक एन ए की होती है प्लस वन सो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है तो कितनी होगी प्लस टू ओके ऑन द अनदर साइड अनदर केमिकल इज सी एल टू एक सीएल की होती है माइनस वन सो दो मॉलिक्यूल की हो जाएगी माइनस टू ओके सो नाउ जब इन दोनों के बीच में एक्शन होगा आवर रिएक्शन एंड आवर प्रोडक्ट विल बी टू एन ए सी एल ओके सो हियर यू कैन सी टू एन ए इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू गिव द एनर्जी ओके एंड सी एल टू दैट इज माइनस टू एन ही वॉन्ट्स टू गेट द एनर्जी दोनों ने अपनी एनर्जी किसी को देनी थी और किसी को लेनी थी दोनों ने अपने नीड्स uh, को करने के के लिए एक्शन किया और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास हमें मिल गया। okay? so, समझ में आया? Why chemical react and how they react, okay? आगे भी हम देखेंगे हाउ दे रिएक्ट बट इट इज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन ओके नाउ वी विल सी वॉट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सब्सटेंस अंडर गो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल सब्सटेंस विद अ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी ओके जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और जो न्यू प्रोडक्ट हमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है दैट ऑलवेज हैव अ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी ओके समझ में आ गया जैसे कि हम अगर बात करते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस की हम एज अ केमिकल और एज अ गैस कौन सी इनहेल करते हैं ओ टू ओके आफ्टर दैट रेस्पिरेशन होने के हम लोग जब इन्हेल करते हैं इन आवर रेस्पिरेशन जब हमारी ओ गैस अंदर जाती है इट डू द सम रिएक्शंस ओके जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करती है हमारे सर्कुलेशन में भी पार्टिसिपेट करती है एंड आफ्टर दैट वी विल गेट एनर्जी सो अब एनर्जी जो है उसकी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम है नो इट इज़ नॉट सेम इट इज केमिकली आइडेंटिकल नो इट इज़ नॉट आइडेंटिकल सो यहाँ पर समझ में आया कि जब भी कोई दो केमिकल या दो से ज़्यादा केमिकल रिएक्ट करेंगे और जब कोई नया प्रोडक्ट देंगे दे विल नॉट हैव अ सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ और अ सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज और अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी नॉट सेम समझ में आ गया ओके okay, हम अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन uh, की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट का हम अगर एग्जांपल से सॉल्व करते हैं मिल्क आपने देखा है इट इज़ टोटल इन लिक्विड स्टेट अब हम देखते हैं कि उसमें से जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं कर्ड जो होता है वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट इज़ चेंज इन स्टेट कि लिक्विड से किस में आ गया सॉलिड सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया सी हम देख सकते हैं ना यहाँ पर कि क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो हमारा एक एग्जाम्पल मिल गया मिल्क टू कर्ड ओके आफ्टर दैट है चेंज इन कलर अब आपने आपके घर में जो साइकल्स होती हैं अब साइकिल का जो रिंग होता है टायर का जो रिंग होता है वो रिंग देखना आफ्टर सम टाइम और आफ्टर द मॉनसून सीजन क्या होता है इट डेवलप्स अ ब्राउनिश कलर ओके डेवलप जब ब्राउनिश कलर लेयर तो अब ये क्या था ये था उनका रस्टिंग ऑफ आयन क्योंकि वो स्टील की या फिर आयरन से बनी होती है और मॉइस्चर एयर या फिर एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी की वजह से वो रस्ट होने लगती है जंग लग जाता है सो एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर इज रस्टिंग ऑफ आयरन ओके आफ्टर दैट इवोल्यूशन ऑफ़ गैस इवोल्यूशन ऑफ़ गैस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अवर रेस्पिरेशन रेस्पिशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ केमिकल प्रोसेस क्यों क्योंकि हम ओ टू इनहेल करते हैं फिर हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शन होते हैं और उसके बाद हम एक्सेल क्या करते हैं सी ओ टू दैट इज़ इवॉल्व हो रहा है ना सी ओ टू क्या हो रहा है निकल रहा है सो दैट इज़ रेस्पिरेशन हमें एक इनका एग्जाम्पल मिल गया लास्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर अब चेंज इन टेम्परेचर में सी ए सी ओ थ्री जो होता है आपके घर में जो चूना पत्थर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आप उससे अगर घर में लाते हो तो वो सॉलिड होगा सॉलिड इट मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ अ रॉक आपको रॉक जैसा दिखेगा लेकिन जब आप उसे वाटर में डाल दोगे तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी आप उसमें देख सकते हो और इतना ज़्यादा हाई होता है कि जिस वाटर में आप उसे डालोगे ना वहाँ पर बॉइलिंग स्ट्रक्चर पैदा होता है दैट इज़ जो uh, दैट इज़ बबल्स नहीं निकलते फोम लाइक स्ट्रक्चर वो सब वहाँ पर डेवलप होता है तो यहाँ पर हमें क्लियरली क्या दिखेगा चेंज इन टेम्परेचर ओके समझ में आ गया सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन इसी के बारे में हम बहुत ही वाइड एक्सप्लेनेशन के साथ कंसेप्ट को समझेंगे इन दैक्स्ट लेक्चर ओके सो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो समझोगे और इसमें जो समझा है वो सब कुछ आपको इस चैप्टर का बेजिक एकदम क्लियरली कवर करवा देगा